कायाकल्प ग्लोबल के क्वेश्चन आंसर सेशन में आपका स्वागत है। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आज हम सर्गन ऑइंटमेंट के बारे में बात करेंगे और सर्गन ऑइंटमेंट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, ज़्यादातर पेशेंट जो कायाकल्प पर ट्रीटमेंट लेते हैं उनको दी जाती है रंग बनाने के लिए। आपने जो हमने लास्ट टाइम वीडियो अपलोड करी थी जिसमें हमने सर्गन ऑइंटमेंट को कैसे यूज़ करना है, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई थी और आपने उसके नीचे बहुत से कमेंट्स करे हैं। आज हम एक एक करके उन सभी कमेंट्स का आंसर करेंगे और आपके जो डाउट्स हैं उनको दूर करने की भी कोशिश करेंगे। हमारी जो टीम है, जब आप ट्रीटमेंट मंगवाते हैं तो सर्जन के बारे में हम बहुत डिटेल्ड एक इंस्ट्रक्शंस आपको गाइड में बताते हैं कि उसको यूज़ कैसे करना है, कितना धूप लगाना है, बहुत डिटेल बताया जाता है। उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो कि पेशेंट्स हमारे पे कमेंट से पूछते हैं, तो उनके आज हम आंसर इस वीडियो में करेंगे। मैं डॉक्टर शैलेंद्र धवन, फाउंडर कायाकल्प ग्लोबल। कायाकल्प ग्लोबल पर हम पिछले 30 सालों से 2 लाख से ज़्यादा विटिलाइगो के पेशेंट को कंसल्टेशन दे चुके हैं और एक ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जहाँ का सक्सेस रेट टॉप का है, जहाँ पर जब पेशेंट आ जाता है तो उसके बाद उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अपने वाइट पैचेस के बारे में। तो आज हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपने ही हमारे से पूछे हैं। सर्जन ऑइंटमेंट के बारे में जो हमारी वीडियो थी उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन के नीचे शेयर कर रहा हूँ, आप उसको अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार आप उसको भी दोबारा देख सकते हैं और क्वेश्चंस के आपके मैं आंसर आज इस वीडियो में दूंगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सर, सर्गन ऑइंटमेंट लगाने के साथ मैं क्या हमें कोई दवाई लेनी भी चाहिए खाने के लिए भी, ये पूछा गया है। देखिए, सर्गन ऑइंटमेंट क्या कर रहा है बॉडी में कि जहाँ पर आपके वाइट पैचेस हैं वहाँ पर वो वापस रंग बना रहा है, लेकिन अगर आपके बॉडी के अंदर नए पैच जो हैं वो दूसरी लोकेशंस पर आ रहे हैं तो हमें डेफिनेटली ल्यूकोकाया, विटिकाया, ओमिनोकाया जो हम अपनी सभी वीडियोस में बोलते हैं, वो खाने वाली जो प्लांट बेस्ड ट्रीटमेंट है उसको भी साथ में ऐड करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, क्या हम सर्गन ऑइंटमेंट को फ्रिज में रख सकते हैं? बहुत सारे पेशेंट ये पूछते हैं। देखिए, गर्मियों में मई जून के महीने में गर्मी ज़्यादा होती है तो ऑइंटमेंट थोड़ा पिघल जाता है, तो फ्रिज में रख सकते हैं। वैसे रूटीन में उसको रूम टेम्परेचर में ही रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि धूप कितने बजे की लगाएं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सर्जन जितने भी पेशेंट हमारे साथ ट्रीटमेंट के लिए जुड़ते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ लोग क्या होता है कि 9 बजे ड्यूटी पे चले जाते हैं और शाम को 5 बजे वापस आते हैं, ऐसे पेशेंट को ऑफिस जाने से पहले ही वो धूप लगा के 8:30-9 बजे की धूप लगा के ही जा सकते हैं। लेकिन ऐसे हैं जैसे बच्चों का ट्रीटमेंट चलता है तो ज़्यादातर बच्चे क्या है 1:30-2 बजे लंच के वक्त घर आ जाते हैं, तो ऐसे में बच्चों को जो धूप लगाने का टाइम बेस्ट रहता है वो रहता है 1:30-2 बजे के बीच में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर धूप नहीं आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, अगर धूप नहीं आ रही, बारिश का मौसम है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं या कुछ प्राइवेट पार्ट के ऊपर वाइट पैचेस होते हैं जो धूप नहीं लगा सकते, तो हमारी हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है PUVA पूवा लैंप के बारे में, तो आप पूवा लैंप परचेज कर सकते हैं। वो 7,500 रुपये का एक हैंड हेल्ड छोटा मॉडल आता है, तो सर्गन ऑइंटमेंट लगा के रात को जब आप फ्री होते हैं तो आप उस लैंप से उसकी सिकाई कर सकते हैं। इसके बारे में आप क्लिनिक पे डिटेल में और डिस्कशन करके और डिटेल्स ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जलन होती है सर्गन लगाने के। देखिए, 20% पेशेंट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि सर्गन एक बहुत पोटेंट और तेज़ मेडिसिन है जिसका कि इफेक्ट बहुत तेज़ आता है। 20% पेशेंट में क्या होता है कि सर्गन लगाने से थोड़ी जलन महसूस होती है। अगर ऐसा हो तो सर्गन को कोकोनट ऑयल में 50% डिल्यूट किया जा सकता है। और अगर आप कुछ पेशेंट्स में हम ये भी रिकमेंड करते हैं कि आप सर्गन को पहले एक छोटे से पैच पे 3 दिन टेस्ट कर लें, अगर यहाँ पर आपको जलन या खुजली नहीं होती फिर आप उसको सारी बॉडी पे लगा सकते हैं। और अगर आपको सर्गन लगाने के बाद उस पैच में रेडनेस आती है, इचिंग होती है या उसके ऊपर हल्की सी पपड़ी आ जाती है जैसे जो जलन की निशानी है, वो नहीं होना चाहिए, तो आपको सर्गन को थोड़ा डिल्यूट करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रिकवरी कैसे पता चलता है कि हमारे को सर्गन लगाने से रिकवरी आ रही है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें क्या होता है कि आप नोट करेंगे कि 45 डेज में अगर उसको आप हल्का सा सर्गन लगा के गुलाबी करते हैं तो जहाँ पर बाल हैं उसके बीच में ब्लैक कलर के डॉट आने लग जाते हैं और कुछ पेशेंट में वो साइड से श्रिंक भी करने लग जाता है आपका वाइट पैच। अगला क्वेश्चन पूछा है किसी ने कि सर, सर्गन ऑइंटमेंट को कहाँ लगाना है, सफ़ेद दाग के साइड साइड में या उसके ऊपर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें।
कि हमें सरगम ऑइंटमेंट को कहाँ लगाना है, केवल वाइट पैच के ऊपर ही लगाना है हमें उसको। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो केयरलेसली अगर वाइट पैच यहाँ पर है तो उसको फैला के लगा देते हैं। तो सरगम ऑइंटमेंट बहुत तेज़ मेडिसिन है, अगर वो हेल्दी स्किन पे लग जाती है ज़्यादा तो उसको साइडों से काला कर देती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ पर वाइट पैच है वहीं पर ही सरगम को लगाएं। एक ये किसी ने पूछा है कि मेडिसिन लेने के बाद क्या बालों का गिरना होता है। देखिए ये क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है। वाइट पैच का जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं या जो मेडिसिन हम खाने को देते हैं उसका हेयर के साथ, बालों के झड़ने के साथ कोई तअल्लुक नहीं है। दो चीज़ों का जब हमारे पास पेशेंट ज्वाइन करते हैं हम उनका ध्यान रखते हैं, वो क्या है? नंबर एक थायराइड। अगर पेशेंट में सफ़ेद दाग के साथ थायराइड या उसका TSH लेवल बढ़ा हुआ होता है तो ऐसे पेशेंट में बालों का झड़ना होता है। आप अपना TSH लेवल चेक कराएं। कुछ पेशेंट में हीमोग्लोबिन लेवल्स कम होते हैं उनमें भी बाल झड़ते हैं, तो आप अपना हीमोग्लोबिन लेवल, HB लेवल और TSH लेवल चेक कराएं। अगर वो लेवल्स ठीक हैं तो फिर बाल झड़ने की इशू आपका डिजीज़ के रिलेटेड नहीं है। ये किसी ने पूछा है, सर मुझे VT+ ऑइंटमेंट दिया गया है, मैंने लगाया लिप्स पर लगाने के बाद थोड़ा सा स्वेलो हो गया और टंग पे लग गया, क्या इससे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा? देखिए VT+ ऑइंटमेंट जो होता है इसमें टैक्रोलाइमस होता है, और टैक्रोलाइमस को जो मॉडर्न डॉक्टर्स हैं मुंह के अंदर जो छाले होते हैं उस पर भी लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए अगर आपके लिप्स पे लग गया है और थोड़ा सा वो टच हो गया है जीभ के ऊपर भी या अंदर, तो कोई बड़ी वाली बात नहीं है। आगे किसी ने पूछा है कि क्या सरगम ऑइंटमेंट को फेस पे लगाया जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि हर एक पेशेंट को हम ऐसे उत्तर देना कि क्या वो फेस के ऊपर लगाए या ना लगाए, ये वीडियो के माध्यम से अच्छा नहीं रहेगा। मैं समझता हूँ कि आप अपनी फ़ोटोग्राफ हमारे क्लिनिक के डॉक्टर्स को भेजें, हमारे डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये केस टू केस वेरी करता है। कुछ पेशेंट्स में हम रिकमेंड करते हैं, कुछ पेशेंट में नहीं रिकमेंड करते। इसलिए मैं वीडियो पे इसका उत्तर हाँ या ना मैं नहीं देना चाहूँगा, आप अपनी फ़ोटोग्राफ हमारे डॉक्टर्स को भेजें। आगे किसी ने पूछा क्या लिप्स के ऊपर भी सरगम को लगाया जा सकता है। सेम आंसर, कुछ पेशेंट में लगा सकते हैं कुछ को नहीं, हमारी टीम डिसाइड करेगी डॉक्टर्स की। आप अपनी फ़ोटोग्राफ जहाँ पे लिप्स के ऊपर वाइट पैच है वो भेजें, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वाइट पैच कितना पुराना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वाइट पैच जो है उसके अंदर जो कलर लॉस है वो 100% कलर लॉस हो चुका है या 50% कलर लॉस हो चुका है, इस बात का क्या वो 6 महीने पुराना है कि 4 साल पुराना है, इन बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि सरगम ऑइंटमेंट दी जाए या ना दी जाए। तो आप अपना फोटोग्राफ हमारे डॉक्टर्स को भेजेंगे, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट। वो लोग मेरे साथ काम करके इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद उनको एग्जैक्ट जजमेंट हो जाता है कि कौन सा पेशेंट कितने टाइम में ठीक होगा। कायाकल्प के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप कायाकल्प के साथ जुड़ते हैं, आप फोटोग्राफ भेजते हैं, तो Day 1 हमारे डॉक्टर्स की टीम आपको बता सकती है कि आपके वाइट पैच की रिकवरी कितने टाइम में आएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको सरगम के बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको काम आएगी। और भी कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके लिए हम एक अगली वीडियो और बनाएंगे आपके लिए, आपके सारी क्वेरीज को रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन इफेक्टिव लग रही है और काम की लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट भी हमें करें। नमस्कार।